केवट को, केवट ने जब श्री रघुनाथ जी को पार किया, श्री रघुनाथ जी अपने मन में सोच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हरि भक्तों, माताओं बहनों, दाम्पत्य जीवन में परस्पर समझ कैसी होनी चाहिए। संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन कर रहा हूं, ऐसा नहीं समझिएगा पूज्य चरण कि महाराज जी कथा के प्रारंभ में ही दाम्पत्य की चर्चा करने लग गए। प्रिया प्रीतम के दाम्पत्य की बात करिए ना, दास को वही करना है, पर कुछ गृहस्थी लोग भी सब तरह के बैठे हैं, उनको कुछ मिल जाए, कुछ इस भाव से आप दयालु हैं। प्राणनाथ, जब श्री रघुनाथ जी केवट की नौका में से उतरते हैं, तो श्री रघुनाथ जी के मन में यह भाव आता है, श्री राम जी के मन में यह भाव आता है कि केवट ने भले ही मुझे कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं खाली हाथ, मैंने इसके साधन का उपयोग किया है, यह इसकी जीविका है, मैं इसको कुछ न दूं यह उचित नहीं, मुझे इसे कुछ देना है, लेकिन क्या दूं, मेरे पास क्या है। यह श्री रघुनाथ जी के मन में चल रही बात, यह राम जी के मन में चल रही है, और न जाने कैसे जानकी जी को इस भाव का पता चल गया, और जानकी जी ने तुरंत वहां अपने हाथ की मुदरी यही दी थी ना, हाथ की वो अंगूठी उतार कर चुपके से रघुनाथ जी को पकड़ाई। और आपको बताएं एक बात, इस बात का पता लक्ष्मण जी को भी नहीं चलने दिया। ये सुगंध देखिए दाम्पत्य जीवन की, ध्यान से सुनिएगा। राम जी के मन में आया भाव कि मुझे केवट को कुछ देना है, उन्होंने मुंह से बोलकर किसी को नहीं कहा, सीता जी समझ गई और समझ करके अपने हाथ की अंगूठी उतार कर रघुनाथ जी को पकड़ा भी दी, और पकड़ाई भी इतनी कुशलता से कि लखनलाल को भी पता नहीं चला। आप कहेंगे कि आप यह बात कैसे कह रहे हैं कि लखनलाल को पता ही नहीं चला, यह बात आप कैसे कहेंगे कि लखनलाल को भी पता नहीं चला। श्री रघुनाथ जी के मन में यह भाव आया कि मुझे केवट को कुछ देना है, उन्होंने यह बात कही नहीं किसी से, पर जानकी जी समझ गई, उन्होंने मुदरी अंगूठी उतार के दे दी, इस बात का पता लक्ष्मण जी को भी नहीं चला। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता कि लक्ष्मण जी को नहीं पता चला, तो दास ने संतों के श्रीमुख से ऐसा सुना है कि रघुनाथ जी ने जब अंगूठी दी श्री हनुमंत लाल जी को, ध्यान से सुनिएगा, राम जी ने जब हनुमान जी को अंगूठी दी कि यह अंगूठी ले जा करके और आप जानकी जी को देना, तो उस समय राम जी कहते हैं कि हनुमान सुन, ये बात राम जी ने हनुमान जी को एकांत में कही। राम जी कहते हैं, देख हनुमान, हो सकता है जानकी तुमको मेरा दूत मानने को तैयार न हो, क्योंकि एक मानव का दूत वानर कैसे हो सकता है, हो सकता है शायद वह जानकी तुमको मेरा दूत मानने को तैयार न हो, तब तुम मेरे दूत हो यह बताने के लिए यह मुद्रिका उनको दिखाना, और हो सकता है उसको, जानकी को लगेगा कि यह मुद्रिका भी माया से बनी हुई है, लेकिन तुम उनको यह वृत्तांत बताना कि माँ ये वही मुद्रिका है जो केवट को उतराई देते समय आपने प्रभु के हाथों में दी थी, तब वह समझ जाएगी कि हाँ यह सच में रामदूत है, क्योंकि इस बात की जानकारी मेरे और जानकी के सिवाय किसी तीसरे को नहीं, इसलिए हमने यह बात कही। इसको कहते हैं सुगंधित दाम्पत्य, किसी को कुछ पता नहीं।